शांति सबको चाहिए क्योंकि शांति में से ही उन्नति होती है और हम सब लोग भारतवर्ष की भारतीय समाज की उन्नति चाहिए और केवल हमको उन्नति नहीं चाहिए वो नीति के साथ उन्नति चाहिए। तो भारतवर्ष में सत्य की प्रतिष्ठा है, ये सत्य पर चलने वाला देश है, सत्यमेव जयते वाला देश। और इसका प्रयास हमेशा ऐसे रहा है, जीने का तरीका ऐसा सिखाओ कि हम भी जिए और दूसरों को जीने दे, इसी को कहते हैं अहिंसा। मैं चार बातें देखी तो समानार्थी शब्दों में धर्म का वर्णन है। धर्म के चार पैर है, पहला है सत्य, वो जैसा का वैसा हमने उच्चारित किया है। दूसरा है करुणा, करुणा ही अहिंसा की जननी है। मन में दया आती है, मन में अपनेपन के कारण एक लगाव रहता है तो मनुष्य विचार करता है मेरे कारण दूसरे को धक्का न पहुंचे। और तीसरा है पवित्रता। अब ये सत्य पर चलना और किसी को दुख नहीं देना, ये वही आदमी करता है जो विचार वाणी और कर्म से पवित्र हो, यानी शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो। बाह्य शुचिता अंतर्गत शुचिता दोनों चाहिए और ये अपने आप नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। उस तपश्चर्या को धर्म का पांचवा पैर चौथा पैर के। अब वही बात है, अंतर्बाह्य शुचिता जिसके पास है वो सबको उसी आत्मीय और पवित्र नजर से देखेगा तो उसको कोई छोटा बड़ा दिखाई नहीं देगा, सब अपने ही दिखाई देगा।